साथियों, ममता दीदी पश्चिम बंगाल को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने की भूल कर रही है। दीदी, आज आप चुनाव आयोग को गालियां दे रही है, चुनाव प्रक्रिया और केंद्रीय सुरक्षा बलों को आप जम करके गालियां दे रही हो। आप क्यों भूल रही है कि लेफ्ट ने भी आपके लिए ऐसी ही परिस्थितियां पैदा की थी और उस समय देश की संवैधानिक संस्थाओं ने ही बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराया था। अगर ये संवैधानिक संस्थाएं नहीं होती, केंद्रीय बल बंगाल में उतरे न होते, तो आज आप बंगाल की मुख्यमंत्री भी नहीं होती। ममता दीदी, देश के लोकतंत्र की मर्यादा आपके अहंकार से कहीं ज्यादा ऊंची है। हम पर, आप पर, इस देश के प्रत्येक जनप्रतिनिधि पर लोकतंत्र की रक्षा करने का भी दायित्व है। आपकी सत्ता जा रही है, आपकी जमीन खिसक चुकी है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने आपको नकार दिया है, आपको भी इसका पूरा पता है। दीदी, इस सच को जरा स्वीकार कर लीजिए, हिंसा का रास्ता छोड़ दीजिए। आप दिन को रात कहने वाले और दिन को रात कहने लगेगी तो सच्चाई कभी भी बदल नहीं जाएगी।